कर्नाटक जीत का जश्न पहाड़ों की रानी मसूरी में भी मनाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी और वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा, जैसे हमने कर्नाटक जीता है वैसे ही देश भी जीतेंगे। लंबे समय बाद कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का मौका मिला है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इस जीत ने संजीवनी का काम किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश देखने को मिल रहा है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है और आने वाले लोकसभा और नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस पार्टी पर विश्वास किया है और कांग्रेस पार्टी ने महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाकर भाजपा सरकार की नींव हिला दी है। देखिए, मैं सर्वप्रथम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को और सोनिया गांधी जी को कांग्रेस पार्टी की ओर से बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उनके नेतृत्व में आज कर्नाटक में जो कांग्रेस जीत की ओर अग्रसर है और जो पूर्ण बहुमत की ओर अग्रसर है वो उन सबकी मेहनत है। बीजेपी ने, मोदी जी ने अपनी पूरी ताकत कर्नाटक में लगाई, लेकिन जो जनता थी, जनता ने उनको जवाब दिया महंगाई का, जनता ने उन्हें जवाब दिया बेरोजगारी का, जनता ने जवाब दिया भ्रष्टाचार का और आज कर्नाटक की जनता ने संदेश दे दिया है कि वो समय दूर नहीं है जब ये जनता 2024 में भाजपा को इस देश से उखाड़ फेंकेगी और कांग्रेस की सरकार फिर पूर्ण बहुमत में 2024 में इस पूरे देश में अपनी सरकार बनाएगी। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं कर्नाटक की महान जनता को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी सरकार का चुनाव किया जो धर्मनिरपेक्ष सरकार रही है और हमेशा राष्ट्र को जोड़ने की बात करती रही है। आप देखिए, ये जो आज कर्नाटक की जीत है इसका सारा श्रेय मैं राहुल गांधी जी को देना चाहूँगा कि जिस तरह से उन्होंने भारत जोड़ो अभियान जो चलाया था उसकी अपार सफलता आज आप देखिए कर्नाटक में मिली है और दक्षिण भारत से ये शुरुआत हुई और बहुत जल्दी आप देखिए 2024 में जो है पूरे देश में ये मैसेज जाएगा। और दावा करना चाहता हूँ इस आपके माध्यम से कि निश्चित ही 2024 में कांग्रेस की सरकार पूरे देश में बनेगी। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।